नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका सिविल स्कूल में। सिविल स्कूल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आज से हम क्लास सिक्स हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर वन, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी क्या कहाँ कैसे और कब। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 10,000 और 8,000 साल पहले लोग कहाँ रहा करते थे। 10,000 साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। नर्मदा नदी, जिसको रेवा और नर्मदा भी कहा जाता है, 1312 किलोमीटर लंबी है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक रीजन से ओरिजिनेट होकर महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मैप में ऊपर वाली रेड लाइन इस नदी को दर्शाती है। नर्मदा नदी के किनारे स्किल गैदरर्स रहा करते थे, जो अपना खाना ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करते थे, और नर्मदा नदी के किनारे जंगलों में उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, जैसे पेड़ पौधे, रूट्स, फ्रूट्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ी, दवाइयों के लिए पत्ते और खाने के लिए जानवर। फिर हम बात करते हैं सुलेमान कीर्तर हिल्स की। कीर्तन माउंटेन बलूचिस्तान और सिंध में है, और सुलेमान माउंटेन्स अफगानिस्तान के जाबुल, कांदार, लोया पक्टिया रीजन में है। अफगानिस्तान के ऊपर वाला रेड सर्कल इन दोनों जगहों को दर्शाता है। 8,000 साल पहले यहाँ लोग फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से सबसे पहले वीट यानी गेहूं और बार्ले यानी जौ पहली बार उगा पाए। यहाँ पर शीप, गोट और कैटल जैसे जानवरों को भी पाला जाता था। लोग गारो हिल्स और विंध्याज माउंटेन रेंजेस में भी रहा करते थे। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेघालय स्टेट में है, और विंध्याज, जिसकी लंबाई 1086 किलोमीटर है, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ है। मेघालय पर रेड सर्कल और नीचे वाली रेड लाइन इन दोनों जगहों को दर्शाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था और चावल भी सबसे पहले यहीं हार्वेस्ट किए गए थे। अब बात करते हैं कि 4700 ईयर्स और 2500 ईयर्स पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया। लोग धीरे धीरे इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे रहने लगे। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस नदी, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, हिमालय से ओरिजिनेट होकर जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के सेमी एरिड प्लेन्स में बहती है। ट्रिब्यूटरीज छोटी नदियां होती हैं जो एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी नदी बन जाती हैं। इंडस की बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चिनाब, सुतलज, झेलम, जंस्कार, रावी, श्योक एक्सेट्रा। 4700 ईयर्स पहले यहाँ पे लोगों ने सिटीज़ बनानी शुरू करी। फिर लोग गंगा नदी के किनारे भी अपने घर बनाने लगे। गंगा नदी इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, और यह 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं गागर, गोमती, यमुना, कोशी, सोन, अलकनंदा एक्सेट्रा। गंगा नदी के साउथ में बहुत से किंगडम्स यानी राज्य भी स्थापित हुए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले लोग पहाड़ों में अलग अलग रहा करते थे, फिर धीरे धीरे नदियों के पास सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई, और वो सिटीज़ किंगडम्स में कन्वर्ट हो गई। एक ऐसा राज्य जो गंगा के किनारे था, वो था मगध राज्य। मगध राज्य एक महाजनपद था, यानी लार्ज किंगडम। इंडिया में पहले ऐसे 16 महाजनपद थे, जिनकी यह लिस्ट है। जैसे कि देख सकते हैं कि मोस्टली महाजनपद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, अलवर, जयपुर बेल्ट पे हैं। कुछ कुछ विंध्याज, महाराष्ट्र, कश्मीर जैसे रीजन्स में भी हैं। पहले कॉलम में महाजनपद के नाम हैं और तीसरे कॉलम में उनकी कैपिटल्स हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा कि लोग पहाड़ों से उतर के नदी के किनारे रहने लगे। सिर्फ यही लोग नहीं, पर इंडिया में पहले बहुत लोग इधर से उधर जाया करते थे। आइए देखते हैं ऐसा लोग क्यों करते थे। सबसे पहला कारण है लाइवलीहुड। जब कहीं भी खाना ख़त्म हो जाता था और कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो लोग दूसरी जगह पर खाना ढूंढने निकल पड़ते थे। दूसरा कारण था कि उस समय काफ़ी लोगों को काफ़ी नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे कि फ्लड यानी बाढ़ और ड्रॉट यानी अकाल का सामना करना पड़ा, और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। राजा लोग अपनी सेना के साथ अपना राज्य बढ़ाने के लिए कोई दूसरा लैंड भी कब्जे में ले लेते थे, और इसके लिए उन्हें युद्ध के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए ट्रैवल करते थे, ऋषि मुनि अपना ज्ञान बांटने के लिए, और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे, क्योंकि उन्हें नई नई जगहें देखने का शौक था। पर लोगों के ट्रैवलिंग करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? जैसे कि हमें पता है, इंडिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। उनका डिफरेंट कल्चर है, बिलीफ है, एटीट्यूड है, और काम करने का डिफरेंट तरीका है। तो पहले जब लोगों ने अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह घर बसाया, तो उन्हें विभिन्न तरह के और लोग भी मिले,
जिसके कारण उन्हें काम करने का नया तरीका सीखने को मिला, जैसे कि स्टोन कैसे कार्व करते हैं, स्टोन से हम वेपन्स कैसे बनाते हैं, बर्तन कैसे बनाते हैं, गाना बजाना और खाना पकाना का भी नया तरीका मिला, और इन सब से हमारा इंडिया का कल्चर काफ़ी एनरिच्ड और बेहतरीन हो गया। अब देखते हैं कि इंडिया का इंडिया नाम कैसे पड़ा। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। इंडिया आया है इंडस नदी से। 2500 साल पहले ईरानी और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट से इंडिया आए। जब उन्हें इंडस रिवर के बारे में पता चला तो उन्होंने इंडस नदी के वेस्टर्न रीजन का नाम इंदोस या हिंदोस रख दिया और उसके ईस्टर्न रीजन का नाम इंडिया रख दिया। भारत उन लोगों को बुलाते थे जो इंडिया में रहते थे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सब हिस्ट्री की बुक में हमें पता चलता है, पर उन हिस्ट्री की बुक्स में लिखने वाले लेखकों को कैसे पता चला, आइए देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं और उसके बारे में जानने के लिए रिसर्च करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को मेनली तीन तरह से हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। सबसे पहला तरीका है मैनुस्क्रिप्ट्स। मैनुस्क्रिप्ट्स पत्तों या पेड़ों की छाल से बनी किताबें हैं जो 1000 साल पहले संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखी गई थी। कुछ टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में हैं, पर कुछ को दीमक लग गई है। इन मैनुस्क्रिप्ट्स में रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, राजाओं के जीवन के बारे में, मेडिसिन और विज्ञान के बारे में लिखा गया है। दूसरा तरीका है इंस्क्रिप्शंस। अनलाइक मैनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस हार्ड सर्फेसेस जैसे कि स्टोन और मेटल पे लिखे जाते थे और इसी कारण वो लंबे समय तक टिक भी जाते थे। इंस्क्रिप्शंस में राजाओं के आदेश लिखे जाते थे जिन्हें लोग देख पढ़ सकें और जिनका पालन भी कर सकें। राजाओं और रानियों के जीवन के बारे में भी इनमें बहुत कुछ लिखा है। तीसरा तरीका है स्टडी एंड इवैक्यूएशन। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस स्टोन और ब्रिक्स से बनी पुरानी बिल्डिंग्स को बारीकी से देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सरफेस के नीचे तक डिग करते हैं, जिससे उन्हें दबे हुए टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स मिल जाएं और उनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकें। ज़्यादातर ये चीज़ें स्टोन, बोन्स, बेक्ड क्ले या मेटल से बने हुए मिलते हैं, जिसके कारण ये लंबे समय तक टिक जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या पता चला, पर कब क्या हुआ, ये कैसे किताबों में कैसे लिखा है वो देखते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट को मैसेंजर ऑफ गॉड माना गया है, इसलिए हर एक डेट को उनके जन्म से रिलेट किया गया है। जैसे अगर कुछ उनके जन्म से 600 साल पहले हुए तो उसकी डेट होगी 600 BC यानी 600 बिफोर क्राइस्ट, और कुछ 600 साल बाद हुआ है तो 600 AD यानी अन्नो दोमानी, जिनका मतलब लैटिन में होता है इन द नेम ऑफ लॉर्ड। 2018 को 2018 AD कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। CE यानी कॉमन एरा AD की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली BCE यानी बिफोर कॉमन एरा BC की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस समय पर किसी और देश में क्या घट रहा था। बहुत पहले इंस्क्रिप्शंस में अलग तरह की भाषा और लिपि लिखी जाती थी जो समय के साथ साथ बदलती गई, जिसकी वजह से उन इंस्क्रिप्शंस को समझना और भी मुश्किल हो गया। इसलिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने इंस्क्रिप्शंस को समझने के लिए एक प्रोसेस इन्वेंट किया जिसको कहा गया डेसिफरमेंट। इस डेसिफरमेंट का कैसे इस्तेमाल किया गया आइए जानते हैं इजिप्ट की एक स्टोरी से। इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है जिसे 5000 साल पहले राजा रानी रूल किया करते थे। इजिप्ट के नॉर्थ में रोजेटा नाम का एक टाउन था जहाँ हिस्टोरियंस को एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला जिस पर 3 languages में कुछ कुछ लिखा था, 1 ग्रीक और 2 इजिप्शियन। जो लोग ग्रीक पढ़ पाते थे उन्होंने समझ लिया कि ग्रीक इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। ग्रीक के लेटर्स इजिप्शियन लैंग्वेजेस के लेटर से मिलाते चले गए और ऐसे ही वो इजिप्शियन लैंग्वेजेस में लिखे गए इंस्क्रिप्शन को भी आसानी से पढ़ पाए। आशा करता हूँ आपका मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सिविल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस कोर्स से रिलेटेड और चैप्टर्स भी मिल जाएं। धन्यवाद।